लास्ट टाइम सरफेस टेंशन ने स्टार्ट की थी। सरफेस टेंशन के अंदर कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस हमने कर लिया था। इसके बाद सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, सरफेस एनर्जी भी हमने डिस्कस की थी। सरफेस एनर्जी के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएंगे। सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन के इक्वल होती है, तो सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया। कभी कभी ये वर्ड यूज करता है कि वर्क डन, कभी कभी एनर्जी, एक ही बात है, एनर्जी रिलीज या वर्क डन एक ही बात है, सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया, ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट था इसमें वो कॉन्सेप्ट था प्रेशर का। सर बोलो। सर द वीडियो इज नॉट विजिबल, विजिबल नहीं है स्क्रीन, विजिबल नहीं है। अब भाई यस सर, ठीक है। तो इसमें प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था, एक्सेस प्रेशर की आपने लीक को ड्रॉप के अंदर, अंदर और बाहर का प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, 2σr या 2TR, और ऐसे ही एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, बबल के अंदर ये प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, 4σr या 4TR, ये याद रखना है आपने, ये हमने लास्ट टाइम किया था। इसके बाद है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैपिलैरिटी, आएगा पेपर में ये भी। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या कैपिलैरिटी में ये बताया था कि जो लिक्विड, लिक्विड का मेनिस्कस है और ये जो एंगल बनेगा सॉलिड कंटेनर के अंदर, इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं थीटा। तो अगर आपका मेनिस्कस इस शेप में है तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90, और मरकरी जैसा जो इस शेप में है उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था कि अगर आपके मेनिस्कस की शेप ऐसी है तो अगर फ्लैट है तो ऊपर और नीचे इमीडिएट जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर ही होता है। लेकिन अगर आपका मेनिस्कस ऐसा है तो यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, -2T/R, वेयर बड़ा आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस बताया था। और ऐसे यहाँ बताया था कि अगर ये पी एटमोस्फेयर है, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो पी एटमोस्फेयर +2T/R होगा, वेयर कैपिटल आर इज नॉट रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक, ये हमने डिस्कस किया। फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला करवाया था कि अगर मान लो कैपिलरी है, कैपिलरी में पानी ऊपर राइज कर जाए तो हाइट ऑफ जो लिक्विड है वो 2T/R रोजी तब यूज करना है जब रेडियस ऑफ मेनिस्कस गिवन होगा। पर अगर आपको रेडियस ऑफ ट्यूब की फॉर्म में लेना है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, 2T cos θ/r रोजी, फिर cos θ भी आएगा, फिर थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर हाँ ये एक रिजल्ट आ जाता है, काफी बार आता है ये मेडिकल नॉन मेडिकल में रिजल्ट ही याद करेंगे इसमें, कि अगर मान लो दो बबल्स हैं और दो बबल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, बबल्स कंबाइन मीन जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ गए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर एक, पहला क्वेश्चन ये आता है एक छोटा बबल है और एक बड़ा बबल है ऐसे, और मैंने एक पाइप लगा ली अंदर ताकि हवा अंदर से फ्लो कर सके छोटे और बड़े के अंदर। तो क्वेश्चन है कि एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी ये बताओ। तो एयर मूव करेगी छोटे बबल से बड़े बबल में, बड़े से छोटे नहीं करेगी, छोटे से बड़े करेगी। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बबल का, 4T/R, रेडियस इसका छोटा है तो प्रेशर छोटे का बड़ा है, तो अंदर प्रेशर छोटे में बड़ा होता है बिकॉज रेडियस छोटा होता है। तो एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो छोटे से बड़ा मूव करेगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि अगर बबल ऐसे जुड़ जाते हैं, जुड़े तो जुड़ने पे क्या हुआ कि वो एक छोटा बबल ना बड़े को दबाएगा, क्योंकि प्रेशर में फर्क है, ये नहीं कि अंदर से हवा फ्लो करेगी, दब जाएगा, सरफेस दबेंगी। तो ये ऐसे कॉन्टैक्ट में आ गए तो ये एक नया सरफेस, इसका जो भी टेढ़ा मेढ़ा सरफेस बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्वेश्चन है। तो अगर ये कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका रेडियस ऐसे निकलेगा कि अगर आपके पास एक्चुअल टेक्निक तो ये है, क्या टेक्निक है कि जो पहला बबल है उसमें एक्सेस प्रेशर P1-P0 क्या है, 4T/R या 4S/R1। जो दूसरा छोटा बबल है उसमें एक्सेस प्रेशर कितना है, 4S/R2। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं तो P0 से P0 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो P2-P1 क्या जाएगा, 4S/R, मतलब माइनस मीन्स इसको दो मिनट छोड़ दें, मतलब अगर मैं ये पूछूं कि P2 और P1 के बीच में जो प्रेशर है, क्योंकि P2 P1 दो बबल्स हैं उनके बीच में जो प्रेशर है वो नया रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म में लिखा गया 4S/R,
लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने माइनस कर लूं तो मेरे पास यहां से भी आ जाएगा पी टू माइनस पी वन। तो यहां से पी टू माइनस पी वन निकाल लें, पी टू माइनस पी वन यहां से भी हमने निकाल लिया, इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। इसको प्लीज नोट करें, फॉर्मूला फॉर्मूला ही नोट करना है आपने। दो बबल्स अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनका कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? उनका कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वन आर टू बाई आर टू माइनस आर वन या आर वन माइनस आर टू। ये फॉर्मूला ही काम आएगा आपके। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी नोट करें, इस फॉर्मूले को लिखने का ये तरीका भी है, वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन इज इक्वल टू वन बाई आर, एक ही बात है। ये लिख लिया या ये लिख लिया, एक ही बात है। तो कई ऑब्जेक्टिव में यही दिखेगा, कई ऑब्जेक्टिव में आपको वो दिखेगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक, तो ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, इसमें जैसे ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर मान लो ये इस टाइप की ट्यूब आ जाती है, इस टाइप की ट्यूब के अंदर ऐसा मेनिस्कस लेवल्स में फ़र्क है, मान लो लेवल में फ़र्क है, एक छोटी ट्यूब है एक बड़ी ट्यूब है, इसलिए लेवल में फ़र्क है। तो आपको दो मेनिस्कस की जो रीडिंग ली जाती है वो बिल्कुल लोअर एंड से ली जाती है। मान लो इन दोनों दोनों लोअर एंड में हाइट का डिफरेंस क्या है, एच। यहाँ पर ये सी पॉइंट है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है। सी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? सी पॉइंट का प्रेशर होगा पी एटमोस्फेरिक माइनस टू टी बाई आर, आज हमने किया। ऐसी यहाँ का प्रेशर क्या होगा? पी एटमोस्फेरिक माइनस टू टी बाई आर, ये भी हमने किया। तो देखो यही लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर बी का प्रेशर क्या होगा? पी ए माइन पी ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पी ए माइन पी ए की वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, पी ए की वैल्यू होगी पी बी, पी बी का मतलब यहाँ पर पी एटमोसफेयर होगा ऑब्वियसली, माइनस टू टी बाय आर। तो यहाँ से पी बी माइनस पी ए क्या आ जाएगा? टू टी बाय आर। तो मैंने सीधा यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया पी बी माइनस पी ए। ऐसे ये रूल यहाँ भी लगाया, पी सी माइनस पी डी के अंदर ये रूल लगाया तो ये टर्म आ गई। तो इसके अंदर पी ए माइनस पी सी, ये रहा पी ए ये रहा पी सी, इनमें एच का डिफरेंस है तो पी ए माइनस पी सी इज इक्वल टू क्या? रो जी एच। तो यहाँ से पी बी और पी डी तो पी एटमोसफेयर हैं, पी डी और पी बी तो पी एटमोसफेयर हैं, तो यहाँ पर पी बी और पी डी की जगह पी एटमोसफेयर पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको इस क्वेश्चन में एच पूछा गया, एच क्या है, तो इन इक्वेशंस को अपने सॉल्व करना है। ये तो लंबा तरीका है सॉल्व करने का। देखो आपके पास ये इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके आपने पी ए पी बी और पी डी की जगह पी एटमोसफेयर पुट कर सकते हो। तो तरीका वही है, वो तो बहुत लंबा कर रहा है, हम एक काम करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ पी एटमोसफेयर, यहाँ पर भी मैं पुट कर लेता हूँ पी एटमोसफेयर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लूँ तो ये कट जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा? पी ए माइनस पी सी या पी सी माइनस पी ए, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो इक्वेट करके यहाँ से एच आ जाएगा, ये ज़्यादा आसान तरीका है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मेंस की प्रॉब्लम है ये 2021 की आई हुई, दिखाऊंगा अभी आपको भी सेम को प्रॉब्लम, ऐसी मतलब मिलती जुलती प्रॉब्लम आई है। कर्वेचर है, हाँ मेनिस्कस है, किसका? इस क्वेश्चन में ट्यूब एज अ वर्टिकल ट्यूब ऑफ डायमीटर, हाँ गिवन है, डायमीटर गिवन है, और वाटर लेवल डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द टू ट्यूब, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो भी तो गिवन है ना। जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो होता है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो क्या होता है? वन। तो फिर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर ना भी गिवन हो तो आपने ये लेना ही पड़ेगा, आपको तरीका ही नहीं और कोई, ठीक है, ये जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन शीट एस एल की प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम याद है बर्नौलीज लगाई थी हमने टैंक में वन और टू पॉइंट पर, ये मेन्स की प्रॉब्लम डाल रखी है, वो बता रहा हूँ यार, सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है, इसमें करवा रखी है ये। नेक्स्ट 129 के बाद 130।
नेक्स्ट टेस्ट में ये मुश्किल है शीट, जरूरत नहीं है इसकी इतनी टफ करने की ना। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना होता है, जैसे एक ये एक फ्रेम है और ये स्लाइडर स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे बिना फ्रिक्शन के। नीचे मैंने मास लगा दिया, वेट लगा दिया W, मैं चाहता हूँ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। वेट क्या चाहेगा, स्लाइडर नीचे आ जाए। सरफेस टेंशन या सोप की फिल्म है वो एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इस रॉड को ऊपर लेके आने की कोशिश करेगी। तो जब ये रॉड ऊपर आएगी तो फोर्स क्या लगेगी ऊपर आने की, फोर्स क्या होता है, फोर्स होती है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। अब यहाँ पर फोर्स डबल लगेगी, क्यों, क्योंकि सोप सॉल्यूशन यहाँ पर भी और पीछे भी है, इसकी दो फ्री सरफेस, लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था सरफेस एनर्जी में। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पीछे भी मॉलिक्यूल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फोर्स डबल डबल ये लगेगी। इक्विलिब्रियम के अंदर ये और ये फोर्स क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बराबर करके यहाँ से टेंशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट, वो तो जो क्वेश्चन पूछेगा निकाल देना, कॉन्सेप्ट ये लगेगा। टू से मल्टीप्लाई जरूर करना, ठीक है यहाँ तक, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम तो बहुत बहुत आती हैं जो मैं करवाने जा रहा हूँ। ड्रॉप्स कंबाइन हो गए, ड्रॉप को तोड़ दिया, इस टाइप की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। कैसे, इस क्वेश्चन में इस टाइप की प्रॉब्लम में ऐसा गिवन होगा कि जैसे सपोज सपोज आपको दो टाइप की प्रॉब्लम आएगी। पहली, एक बड़ा ड्रॉप है, बड़े ड्रॉप को आपने ब्रेक कर दिया छोटे 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 एंड ड्रॉप्स में, और उसी तरीके से ये भी आ सकता है कि छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन हो गए और एक बड़ा ड्रॉप बन गया। रूल नंबर वन, चाहे बड़ा छोटे में, छोटा बड़े में, वॉल्यूम इक्वेट कर देना है। तो एंड ड्रॉप्स का वॉल्यूम, मान लो इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, इसका कैपिटल आ रहा है, दोनों में से एक रेडियस गिवन होगा, तो आप इसके वॉल्यूम को इसके साथ इक्वेट करके दोनों के रेडियस की रेशियो तो आप निकाल ही लेंगे, चाहे केस नंबर वन चाहे केस नंबर टू। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो बड़ा ड्रॉप है, उस बड़ा ड्रॉप कभी भी छोटे में अपने आप कभी नहीं टूटता, लेकिन अगर छोटे छोटे पानी के ड्रॉप आप क्लोज ले आए, वो मिलके बड़ा बन जाते हैं, तो ये प्रोसेस तो अपने आप हो जाएगा, पर ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आई कि बड़े ड्रॉप को ब्रेक कर दिया, तो वो बोलेगा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसमें आएगा फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करना पड़ा ऐसा करने के लिए। और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें काम तो करना नहीं पड़ेगा, ड्रॉप्स को सिर्फ पास लेके आना है, तो इसमें क्या होगा, बड़ा ड्रॉप बनेगा और इसमें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक हो गया, दोनों में क्या फर्क है, एक में अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा और दूसरे में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब इसके अंदर जब एनर्जी रिलीज होगी, फर्दर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो निकाल लो, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो एनर्जी रिलीज होगी उसने इसका टेम्परेचर राइज करवा दिया, जब इसका टेम्परेचर राइज करवाया तो ये एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू व्हाट, एम सी डेल्टा टी, तो वहां से डेल्टा टी आ जाएगा। या कभी कभी ये आ सकता है कि जैसे ये ड्रॉप बना इसने भागना शुरू कर दिया, फाइंड वेलोसिटी, तो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू क्या, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पर मेन पॉइंट क्या है, एनर्जी रिलीज कैसे निकलेगी, तो ये सारा कॉन्सेप्ट सरफेस एनर्जी का है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या, वर्क डन डिवाइडेड बाई चेंज इन एरिया। वर्क डन या एनर्जी रिलीज एक ही बात है, तो वर्क डन या एनर्जी रिलीज की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया। ठीक हो यहाँ तक, तो ऐसे निकलेगी। अब इसमें चेंज इन एरिया क्या है, अब अगर आप इसके एरिया की बात करते हो तो ये एरिया है, और इसके एरिया की बात करते हो तो ये एरिया है। ठीक ऐसे ही इसके अंदर आप क्या करते हो, इसमें इसमें इसका एरिया ये रहा और इसका एरिया ये रहा, ठीक, इसका एरिया ये रहा। तो अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर जो एंड ड्रॉप्स का एरिया है वो बड़ा होता है और ये एरिया छोटा होता है, ऐसे ही इसका एरिया बड़ा है, ये एरिया छोटा है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या करोगे आप, इसमें बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करोगे, बड़ा एरिया हमेशा एंड ड्रॉप्स का ही रहेगा, तो डेल्टा ए में क्या पुट करोगे, एन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर माइनस फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे। ठीक है यहां तक,
तो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी इसमें, कि अगर आप जैसे इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि इसके अंदर तो आप n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का एरिया पहले बड़ा था और बाद में छोटा है, ठीक ऐसे ही है, तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो रूल क्या लगेगा इसमें, हाँ, जो एनर्जी अब रिलीज होगी या वर्क डन आएगा वो आगे फर्दर वो सॉल्व करवा सकता है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या फर्दर सॉल्व करवा सकता है इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता ये कॉन्सेप्ट तो फिर तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें एस एल जो शीट से मैंने अपलोड की है उसमें एस एल की ये शीट है, उसमें एस एल की शीट में ऐसे क्वेश्चन गिवन है, सरफेस एनर्जी की वो शीट है, बस आप वो 10 क्वेश्चन कर लो, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 10-12 क्वेश्चन में। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, फिर सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, ये आपकी मर्जी है, पर अगर बिल्कुल नहीं आता तो आपको वो 10-12 क्वेश्चन देखने चाहिए कि वो कैसे एम सी डेल्टा टी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करवाता है। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूँ, ये शीट इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन, तो चलो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, जैसे ये रहा, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मेडिकल नॉन मेडिकल में बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा गया है। तो इसके अंदर क्या देता है, वो एन ड्रॉप्स ऑफ वाटर है जिसका सरफेस टेंशन एस है और कंबाइन टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, तो फाइंड राइज इन टेम्परेचर इसके इक्वल है। तो आप क्या करोगे, पहले वॉल्यूम इक्वेट करके रेडियस की रेशियो निकालोगे, एन आ गया, फिर एनर्जी रिलीज निकालोगे, एनर्जी रिलीज क्या है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया भी बताया मैंने, इस जो सरफ जो एनर्जी रिलीज होगी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी कर दोगे, डेल्टा थीटा कर दोगे, डेल्टा थीटा निकालना है, मास ऑफ बड़ा ड्रॉप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बड़ा ड्रॉप इंटू डेंसिटी ऑफ बड़ा ड्रॉप, और वॉल्यूम जो डेंसिटी होती है सी जी एस में वो 1 होती है वाटर की, स्पेसिफिक हीट भी 1 कैलरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, और प्रॉब्लम यह है कि ये चल रहा है कैलरी में, ये चल रहा है जूल में, तो आप इसको जे से डिवाइड करके क्या करोगे, दोनों कैलरीज में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ से अब आप डेल्टा थीटा निकालोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन में एन की वैल्यू पुट की जाएगी एंड में आर क्यू बाई आर क्यू, यहाँ से सॉल्व करके अपने आप ऑब्जेक्टिव ऑप्शन मार्क हो जाएगा। बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन को छोड़ दें, एनर्जी ली से आगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, 200 बबल्स कंबाइन, ठीक है कंबाइन हो गए, और वी चेंज इन वॉल्यूम है एयर की, जब वॉल्यूम जब ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो आप वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वेट करते हो, जब बबल्स कंबाइन होते हैं तो आप वॉल्यूम ऑफ एयर कभी कंपेयर नहीं इक्वेट नहीं करते, क्यों, क्योंकि एयर के अंदर प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी है। आप गैसेस को जब मिक्स करते हो, केमिस्ट्री करते हो, दो गैसेस मिक्स हो गई तो आप प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हो, एज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो ये जो बबल्स कंबाइन होते हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस के होते हैं, टेम्परेचर सेम है, जब भी बबल कॉम्बिनेशन आएगा तो आपने ये लगाना है कि जो पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू P into V, तो पहले बबल के अंदर P1 V1 है, दूसरे में P2 V2 है और कॉम्बिनेशन में P into V है। तो P फर्स्ट बबल के अंदर प्रेशर निकाल लिया आपने, पहले बबल का प्रेशर पता है आपको R1 की फॉर्म में, सेकंड का पता है और नए बबल का पता है, तो ठीक है P1 P2 और P की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, फिर इसको ओपन कर लिया, ओपन एक्सपैंड करके P0 कॉमन आ गया, 40/3 कॉमन आ गया, तो आप ध्यान से देखना ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया, क्वेश्चन में चेंज इन वॉल्यूम V गिवन है और ये चेंज इन सरफेस एरिया आ गया और चेंज इन सरफेस एरिया ए गिवन है, सॉल्व करके आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं है, पर बबल कॉम्बिनेशन के अंदर पी इन टू वी का प्रोडक्ट आपने इक्वेट करना है। ठीक, तो इसमें और जो क्वेश्चन है, जैसे सपोज देखो इसमें जो अगली टाइप की प्रॉब्लम है उसमें ये गिवन है कि आपकी जो मेंस वालों ने जो 2018-19 में ऐसा क्वेश्चन दिया कैपिलरी एक्शन पे, कैपिलरी एक्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको फॉर्मूला याद होता है 2t cos थीटा बाय r रो जी, बात खत्म। इन्होंने क्या किया, या फिर अगर आपको cos थीटा नहीं गिवन, मेनिस्कस के रेडियस की फॉर्म में गिवन है तो ये हाइट आपको पता है क्या होती है इन्होंने, और कैपिलरी होती कैसी है, ऊपर और नीचे एरिया सेम होता है, इन्होंने कैपिलरी ऐसी बनाई ऊपर से एरिया बड़ा और नीचे से एरिया छोटा कर दिया, कौन टाइप बन गई। अब कह रहे हैं हाइट का फॉर्मूला लगाओ क्या बनेगा, क्वेश्चन चेंज कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म एरिया कर दिया। अब नॉन यूनिफॉर्म एरिया में क्या किया, ये एंगल आपको दे दिया अल्फा बाय टू, है ना, डायग्राम सिर्फ ये बना के दिया है, पेपर में डायग्राम ऐसा ही दिखेगा आपको, बस ये स्टूडेंट बनाएगा वो कहता है डायग्राम बड़ा करके, तो स्टूडेंट ने वहां बैठ के पहले ये कौन टाइप स्ट्रक्चर बनाया, ये मेनिस्कस लिया, ये टोटल एंगल अल्फा है जो कि ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, तो आधा कितना अल्फा बाय टू लिया, फिर ये मेनिस्कस है, इस मेनिस्कस
ये जो मेनिस्कस है, इस मेनिस्कस के साथ उन्होंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो सॉलिड के साथ क्या एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी क्या बन जाएगा, थीटा। फिर उन्होंने ये लाइन ड्रॉ की जो इसके पैरेलल है, तो ये जो लाइन है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अगर ये अल्फा बाय टू है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी अल्फा बाय टू है। तो फिर वो ये दिमाग लगाते हैं कि अगर ये अल्फा बाय टू है, ये मेनिस्कस का रेडियस है, ये ट्यूब का रेडियस है जो कि बी गिवन है, तो ये ट्राइंगल बनाते हैं। तो अगर ये थीटा प्लस अल्फा बाय टू है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाय टू है, तो ये एंगल थीटा प्लस अल्फा बाय टू है। तो उन्होंने ज्योमेट्री लगाई और ये एंगल निकाला थीटा प्लस अल्फा बाय टू। बस उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो फिर उसके बाद कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय टू क्या होगा, स्मॉल बी बाय कैपिटल आर। तो यहाँ से क्या निकाल लिया, कैपिटल आर निकाल लिया, इस कैपिटल आर को यहाँ पुट करके हाइट निकाल दी। मेडिकल में नहीं आएगा, चिंता ना करो, ठीक, नॉन मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे ज्योमेट्री बनाई और कैसे उस अल्फा बाय टू को एडजस्ट किया, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पुरानी पेपर्स में मिलेगा। एक और प्रॉब्लम होती है डिटैचमेंट की प्रॉब्लम्स, ये भी मेंस में और नीट में कभी कभी देखी गई है, मेंस में 2-3 बार देखी गई है रादर, और नीट में 1-2 बार देखी गई है। तो क्या प्रॉब्लम है इसको देखते हैं। वैसे ये मेंस, ये नीट की प्रॉब्लम है, एम्स की प्रॉब्लम है, पहले जब एम्स आता था तो थोड़ी उन्होंने ये प्रॉब्लम डाली, पर अब नीट के अंदर इसको छोटा फॉर्म बनाया जा सकता है। तो कहानी थोड़ी लंबी लिखी हुई है, इतनी लंबी है नहीं जितनी लंबी लिखी हुई है ये छोटी सी कहानी। तो मैं आपको 2 लाइन में समझा देता हूँ कि डिटैचमेंट की प्रॉब्लम है। डिटैचमेंट किसे बोलते हैं, जैसे आप वो आई टोन लो, ड्रॉपर है, दवाई डालते हो आँख में, आप ऊपर उसका बल्ब दबाते हो, तो वो पूरा वो दवाई बनती है, स्फीयर बनता है, अब गया ए, गिर गया नीचे, तो डिटैच हो गया। जब वो छोटा ड्रॉप होता है वो डिटैच नहीं होता, वो चिपका रहता है ऊपर, लेकिन जब जैसे बड़ा हो जाता है उसका वेट उसे नीचे गिर देता है। तो क्या रेडियस होगा उस ड्रॉप का कि वो डिटैच हो जाए, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, उसमें ये तो है नहीं कि आई ड्रॉपर की फॉर्म में आएगी, वो मेडिकल वाले हैं, उन्होंने आई ड्रॉपर यूज़ कर लिया, ड्रॉपर यूज़ कर दिया, प्रेशर दबा दिया ताकि वो फील आए कि हम मेडिकल का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो सेम प्रॉब्लम देते हैं कि कोई बंदा चाय बनाने लगा, पानी गर्म कर रहा है, वो बबल्स बुलबुले फूलते हैं, ऊपर जाते हैं, तो पहले ग्राउंड पे उसके फ्लोर पे होते हैं, फिर वो डिटैच हो जाते हैं, पहले बड़ा बनता है, बड़ा फिर ऊपर उठ जाता है। तो नॉन मेडिकल वाले ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन बात एक ही है, घूम फिर के कहानी बनेगी वही डिटैचमेंट की। तो कैसे करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व, थोड़े से इसके लेवल ज़्यादा रहते हैं डिटैचमेंट के, थोड़ी स्टेटमेंट समझनी मुश्किल रहती है, मतलब वन ऑफ दी थोड़ी मुश्किल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आ जाता है ये, मतलब लोगों मुश्किल इन द सेंस कि उस टाइम जब नया प्रॉब्लम आता है तो लोगों अगर 3-4 क्वेश्चन ना कर रखा हो ना तो फिर वो अटेम्प्ट करना मुश्किल रहता है स्टूडेंट्स के लिए, इस सेंस में बोल रहा हूँ मैं। तो 2-3 प्रॉब्लम कर रखी है तो शायद आप दिमाग लगा लो कि हाँ ऐसा करना पड़ेगा इसे। इसके अलावा बाकी सरफेस टेंशन नॉर्मल आती है, डिटैचमेंट की प्रॉब्लम पिछले 2 साल से मैंने आती देखी नहीं है वैसे, ना मेंस में ना नीट में, बट बहुत 3-4 साल पहले पेपर में देखी हैं, तो वो कर लेते हैं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये एक ट्यूब है, सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, ये एक ट्यूब है और ये एक ड्रॉप बन गया, जब आपने ड्रॉपर से दबाया तो आप सिर्फ इसको देखें प्लीज़, ये ड्रॉप तैयार हो गया, ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, और ये ट्यूब है, देख रहे हो ये ट्यूब है, तो ड्रॉप तैयार हो गया, उसने ड्रॉप को थोड़ा और बड़ा कर दिया, पूरा स्फीयर ही बना दिया अपने मन से, इमेजिनरी है स्फीयर। तो ये ड्रॉप तैयार हो गया, मान लो कैपिटल आर, वो ड्रॉप तैयार हो गया, रेडियस ऑफ ड्रॉप कितना है कैपिटल आर, ट्यूब का रेडियस कितना है स्मॉल आर, ठीक। तो आपको मान लो कैपिटल आर निकालना है कि ये बस अब डिटैच हो जाएगा, तो रूल नंबर 1, ये जो डिटैच होगा है ना, तो पहला क्वेश्चन चलो ये आएगा कि ये बताओ कि ये डिटैच क्यों नहीं हो पा रहा था पहले, है ना, तो क्यों नहीं हो पा रहा था, तो क्योंकि ड्रॉप किसका बना हुआ है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है और एयर खींच नहीं पा रही इसी को, तो और तो अपने सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, कम करता जा रहा है, अंदर दब रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो दवाई में सरफेस टेंशन है जिस वजह से उसको उसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है यहाँ तक, तो इसलिए वो आ नहीं पा रहा, लेकिन कभी ना कभी तो जब प्रेशर दब रहा है तो वेट तो बढ़ेगा ना, तो वेट उसको नीचे घेर ही देगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ कि सरफेस टेंशन की नेट फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की ऊपर, ऑब्वियसली ऊपर लग रही है, तो वो ऊपर कितनी लग रही है ये बताओ, ये पहली प्रॉब्लम है,
ठीक है, यहाँ तक सरफेस टेंशन की नेट फोर्स ऊपर लग रही है, कितनी लग रही है? अब रूल नंबर वन, जो सरफेस टेंशन की फोर्स जो आपने लेनी है, तो ये जो आप ड्रॉ करेंगे टेंजेंट या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कुछ बनेगा लिक्विड, ये पूरा लिक्विड ही लिक्विड है वैसे तो ये वेसल है, वेसल के साथ जब ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगा? थीटा। अब वेसल नीचे नहीं है, वेसल ऊपर है, देखो ना, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये ड्रॉपर की वो पाइप जा रही है और ये लिक्विड है, तो लिक्विड के साथ जो एंगल बना, ये देखो यहाँ पे इमेजिनरीज पे, सॉलिड के साथ क्या एंगल बना? थीटा। तो ऐसा कुछ एंगल, वैसे थीटा गिवन भी होता है इसमें, कोई इतनी डायग्राम गिवन ही होते हैं इसमें, तो ये थीटा है, तो ये ट्यूब का रेडियस है और ये मेनिस्कस का रेडियस है, ये स्फेयर का रेडियस है, तो इसमें हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं छोटे और बड़े आर में इफ नीडेड। अब क्या करना है आपने इसमें, जो सरफेस टेंशन की फोर्स है, देखो जो सरफेस टेंशन है वो टेंजेंशियल फोर्स लगाता है ना, किसी भी पॉइंट पर वो टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा। कैसे? क्योंकि अगर आपका लिक्विड, अगर मान लो कंटेनर है और आपका लिक्विड ऐसे है, और मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ सरफेस टेंशन की फोर्स क्या होगी, है ना, यहाँ पे पूछ लेता हूँ, या एक फ्लैट सर्फेस है यहाँ पर फोर्स क्या होगी, तो आप क्या ड्रॉ करोगे इसके ऊपर? टेंजेंट। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेंशन। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी क्या होगी? फोर्स टेंजेंशियल होगी। तो ये देखो, ये इसने टेंजेंशियल फोर्स निकाल ली ऐसी, उसने स्मॉल एलिमेंट लिया होगा डीएल, छोटा सा एलिमेंट डीएल, तो डीएल पे टेंजेंशियल फोर्स निकाल दी उसने, तो डीएल की जो टेंजेंशियल फोर्स है वो इस तरफ गई, कितनी? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब ये स्मॉल एलिमेंट की फोर्स है, अब आपको क्या चाहिए? आपको ये टेढ़ी फोर्स थोड़ी ना चाहिए, आपको वर्टिकल फोर्स पूछी गई है, क्योंकि वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स हमेशा क्या लगेगी? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कंटेनर की दीवार पे लगेगी, उसने कुछ नहीं करना, उसने थोड़ा बचाना है ड्रॉप को नीचे गिरने में, तो यहाँ पर फोर्स वर्टिकल फोर्स क्या होगी? आप इसका एक कंपोनेंट लेंगे, क्या कंपोनेंट होगा? टीडीएल कॉस थीटा। और जो जो ट्यूब है उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई इनटू स्मॉल आर। तो जब आप डीएल 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 लेंगे तो क्या बनेगा? पूरा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा ट्यूब का। तो इसीलिए जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ क्या लेंगे? ट्यूब की का जो सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई स्मॉल आर। तो यहां से सॉल्व करके कॉस थीटा को पुट करके स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये पहला आंसर आएगा, वर्टिकल फोर्स कैसे निकलेगी, ये पहले टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक, अगर आती है तो, वैसे मुझे पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता क्योंकि आई हुई है, मैंने कोई नई प्रॉब्लम बनाई नहीं है, किसी किताब ने नहीं बनाई है, ये पुराने पेपर का ही क्वेश्चन है, तो कर लेना चाहिए कि वर्टिकल फोर्स ऐसे निकलेगी, ये पहला कॉन्सेप्ट है, आपको पुराने पेपर में दिख जाएगी ये प्रॉब्लम, है ना, तो आप डाउट की फॉर्म में ला सकते हो उस टाइम भी अगर ना करवा रखी हो। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि रेडियस बताओ ड्रॉप का क्या होगा जब वो नीचे गिर गया। अब आपने नेट वर्टिकल फोर्स निकाल दी, अब ये किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ दी ड्रॉप, वेट में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, यहाँ से कैपिटल आर कैन बी कैलकुलेट, तो इतना रेडियस ऑफ ड्रॉप बनेगा जब ये नीचे डिटैच हो जाएगा। तो ये दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है। इसी के बेस पे एक और प्रॉब्लम है, ये नॉन मेडिकल वालों को आई, वो मेडिकल है नॉन मेडिकल है, वही चाय का कप बन रहा है, देखो ये बबल तैयार हो गया, नीचे तैयार है, अभी चिपका हुआ है, अब ये क्या करेगा? ज्यादा पानी गर्म होगा तो ये उठ जाएगा हवा में। तो आपको यही क्वेश्चन है कि कैपिटल आर बताओ, इसमें ये बताओ, इस क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ऑन हीटिंग द वाटर बबल बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल डिटैच एंड राइज, घटते रहते हैं और ऊपर जाते रहते हैं, टेक द बबल्स टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एंड मेकिंग अ सर्कुलर कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियस स्मॉल आर, अभी दबा हुआ है बबल, तो नीचे कॉन्टैक्ट क्या बना रखा है? स्मॉल आर, और वैसे रेडियस कितना है स्फीयर का? कैपिटल आर। तो सरफेस टेंशन इसमें टी है और स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से, सरफेस टेंशन टी है, वैल्यू ऑफ स्मॉल आर निकालना है आपको, जो दबा हुआ रेडियस है स्मॉल आर वो निकाल लो इसमें बिफोर बबल डिटैच, कि जैसे डिटैचमेंट होगी स्मॉल आर कितना था उस टाइम। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब रूल वही है कि इस केस में जो बबल है वो देखो, तो बबल बहुत लाइट है, पानी के अंदर बन रहा है, बबल को कौन ऊपर फेंकेगा? पानी फेंकेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, तो आप बबल का पहले क्या निकाल लें? अपथ्रस्ट निकाल लें, क्या है? वॉल्यूम ऑफ बबल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, तो ये अपथ्रस्ट में डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करते हैं, तो ये जो ऊपर की फोर्स है। अब वो कह रहा है कि अब ऊपर की फोर्स है, बबल फिर उठ क्यों नहीं पा रहा, बड़ा होके क्यों उठ पा रहा है, छोटे छोटे क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी ने उन्हें रोक के रखा हुआ है। कैसे रोक के रखा हुआ है? अगर आप इस बबल को अलग से डायग्राम ड्रॉ करें तो इसके अंदर एयर है और बाहर वाटर है, जब एयर और वाटर की इंटरफेस होती है वहां सरफेस टेंशन आ जाती है, फ्री सरफेस आ गई। तो सरफेस टेंशन कैसे है? ये जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो टी एन टी ऐसे, तो सरफेस टेंशन की फोर्स यहाँ टेंजेंशियल होगी
आप टी की जगह एफ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, और वही रूल है कि अगर ये थीटा तो ये थीटा करके टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा सरफेस टेंशन की फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, नीचे, और कहाँ एक्ट करेगी, इसके सर्कमफ्रेंस पे, टू पाई इंटू स्मॉल आर पे एक्ट करेगी। तो ये देखो, टू पाई आर इंटू टी साइन थीटा, दिस इज वर्टिकल फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट की है, तो इन्हें इक्वेट करके रेडियस कैन बी, सेम ही क्वेश्चन है ड्रॉपर में उल्टा डायग्राम, ध्यान से देखो उन्होंने कुछ नहीं किया, ये ड्रॉपर में ये डायग्राम उल्टा बना हुआ है सेम ऊपर, और इसमें ये डायग्राम एग्जैक्टली नीचे बना हुआ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक। और ये मुश्किल प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम आई जब पहली बार आई, ये आसान प्रॉब्लम नहीं थी वैसे, आपको बता दूं मैं, ये लग रहा है अब आपको, आपने सुन लिया ठीक है, जब पहली बार आई होगी तो लोगों नहीं समझ पाए इसे कि कैसे करना है, अनलेस दो तीन क्वेश्चन ना कर रखे हों। देखो क्यों लेंगे 2t sin थीटा, अंदर एयर बाहर पानी, फ्री सरफेस तो एक ही है। अच्छा दो इसको ऐड करें, नहीं नहीं ये शॉर्टकट मारा है इसने, इसने ऐसे किया, पहले स्मॉल एलिमेंट लिया dl, तो इसकी स्मॉल फोर्स निकली t sin थीटा इंटू dl, फिर इसे इंटीग्रेट किया 0 से 2 पाई r, वो शॉर्टकट ही मार गया t sin थीटा इंटू 2 पाई r, ऐसे हुआ है वो, उसमें थोड़ा डिटेल किया, इसमें सीधा कर दिया, ठीक है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन पढ़े, टू नैरो बोर्स ऑफ डायमीटर गिवन आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ यू शेप्ड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड। तो यू ट्यूब कंटेन्स वाटर, वॉट इज द डिफरेंस इन लेवल ऑफ द टू लिम्स ऑफ द ट्यूब, एच निकालना है। सेम ही तो क्वेश्चन है जो आज किया, और ट्यूब वाला क्वेश्चन नहीं किया, एक पतली ट्यूब एक पतली मोटी ट्यूब, तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस लिया, यहाँ का प्रेशर से डायमीटर दिया तो रेडियस निकल आएगा, तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस बनाया, यहाँ का बनाया, फिर यहाँ और यहाँ का एच रो जी लिया। आज यूट्यूब वाला क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें मैंने आपको एच दिया था, इसमें एच उसने पूछा है,
सेम क्वेश्चन है उस शीट में से करना, इसका सोल्यूशन अच्छा नहीं है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, इसको मत सोल्यूशन मत देखो। पर आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि वही क्वेश्चन जो यूट्यूब वाला हम कर रहे थे एग्जैक्टली वही क्वेश्चन उसने सेम पूछा है, तो इसका बस डायग्राम भी खुद ही बनाना पड़ेगा, इसमें फर्क कोई नहीं है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये उस सोल्यूशन को ही रेफर करना। टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी कैपिटल आर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, वेल इज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर चेंज इज व्हाट। सरफेस एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी बेसिकली कुछ नहीं है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो आप इसमें कर लो टू सरफेस ड्रॉप्स हैं कंबाइन हो जाते हैं, तो बनने से कंबाइन होने से पहले और बाद में क्या निकालना है, द रेशियो निकालनी है टोटल सरफेस एनर्जी की। तो ये लो पहला केस, जब कंबाइन होंगे तो पहले रेडियस आर है, आर डैश है, पहले रेडियस का रेशियो निकाल लो, निकल गया। अब सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, चेंज इन एरिया डेल्टा ए। पहले केस में क्या केस है, फर्स्ट केस में कितने ड्रॉप्स हैं, दो ड्रॉप्स हैं, पहले केस में दो ड्रॉप्स हैं, ए का एरिया कितना है 4πr2। तो इमेजिन करो पहले वो ड्रॉप बना नहीं था तो रेडियस जीरो था, क्योंकि कई लोग पूछेंगे यहाँ पर डेल्टा ए होता है आपने ए क्यों लिया, यहाँ तो चेंज इन एरिया होता है ना। तो मान ले एक ड्रॉप है, पहले रेडियस जीरो है, अब वो आर रेडियस का बन गया, तो चेंज इन एरिया कितना है 4πr2 - 0, तो इसलिए यहाँ पर 4πr। पर ऐसे कितने ड्रॉप बनाए मैंने, दो, तो टोटल एनर्जी में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, दो से, ठीक है, सरफेस टेंशन तो बराबर ही है। और जब वो कंबाइन हो गए, कंबाइन हो गए बड़ा ड्रॉप बन गया, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या है आर डैश, तो टू से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि दो ड्रॉप कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन गया, तो एरिया की जगह 4πr2 डिवाइड कर लो, एनर्जी की रेशियो आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है, इसमें सरफेस एनर्जी की प्रॉब्लम है। ये देखो फिर से आ गया, इस बार बबल कंबाइन हुए हैं, जब बबल कंबाइन हुए हैं रेडियस ऑफ कॉमन कर्वेचर कॉमन सरफेस आज किया हमने, ठीक है, तो इससे आंसर भी आ गया आज हमने किया, सेम एज इट इज आ गया, मेडिकल नॉन मेडिकल में बहुत आता है, ये भी किया आज हमने, बोल रहा हूँ उठा उठा के एसल्ट लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ देखो तो सही आप, मेंस वालों ने, नीट तो इससे नीचे आएगा, ठीक, सेम है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ डेंसिटी स्मॉल डी इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन टी। एक ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, आधा पानी में आधा हवा में है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट इज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, तो क्या लगेगा, एक अपथ्रस्ट लगेगा, एक वेट लगेगा और एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगी, बनाओ इक्विलिब्रियम।
बी बन रहा है आप लोग वहां चेक करें, हाँ बी ही बन रहा है। तो करना क्या है, आधा ड्रॉप पानी में आधा हवा में, तो किसको बैलेंस करना है, वेट को। तो वेट को कौन, वेट कहाँ कर रहा है, नीचे। वेट निकल गया वी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, और पानी की डेंसिटी जो है वो रो है। अब थ्रस कहाँ लगेगा, ऊपर, कितना, वी बाई टू, क्योंकि आधा ही ड्रॉप पानी में है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और सरफेस टेंशन की फोर्स भी कहाँ लगेगी, ऊपर, कितनी, टी इंटू जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा, टू पाई। अब ये टी इंटू टू पाई आर की स्टोरी हमने की है, वो इंटीग्रेशन करके डी एल डी एल करके टू पाई आर बनता है उसका। तो टी इंटू टू पाई आर लेंथ ऊपर। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास ये प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मजे की बात है, मैंने खुद देखा है एस एल की ये भी सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक, प्लस वन में करवा रहे हैं ना, तो इस सेम नहीं है बट मिलती जुलती प्रॉब्लम है ऐसी। उन्होंने उन्होंने क्या लिया, उन्होंने क्यूबॉइड लिया या क्यूब लिया शायद, इन्होंने स्फेयर ले लिया, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक। सोप बबल जिसका रेडियस 3 है फॉर्म्ड इनसाइड अनदर सोप बबल ऑफ 6, बबल के अंदर बबल, रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट सोप बबल व्हिच हैज सेम एक्सेस प्रेशर एज इनसाइड द स्मॉलर बबल विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज व्हाट। देखो ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, मेरी शीट में है नहीं, ये पहली बार आया, इसका नया ही सॉल्यूशन है। बबल के अंदर एक और बबल है, आर टू बबल, आर वन बबल के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा डेल्टा पी, वो माइनस नहीं होगा क्योंकि बबल बबल के प्रेशर को दबा नहीं रहा, उल्टा बड़े वाला बबल छोटे वाले बबल में मिला रहा है अपना प्रेशर, तो प्रेशर ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा उल्टा। तो ऐड करने और नए बबल का प्रेशर इक्वलेंट 4s/r होगा। तो इन्हें इक्वेट करके ये फॉर्मूला नोट करो, प्लीज सीधा फॉर्मूला नोट करो। अगर दो बबल कॉन्टैक्ट में है तो 1/r2 - 1/r1, आज हमने किया, लेकिन बबल के अंदर अगर बबल है तो इक्वलेंट रेडियस का फॉर्मूला प्लीज नोट करो, ये फॉर्मूला सीधा यूज करेंगे अगर आ जाए तो, ठीक है। बबल के अंदर बबल में, क्योंकि वहां पर ये बैठ के कौन ही कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। देखो या तो कॉन्टैक्ट में आएंगे या बबल के अंदर बबल आएगा, बात ही खत्म है बस, ठीक है। तो दो फॉर्मूला तैयार हो गए, ठीक है। ऐसा डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो और इक्विवेलेंट रेडियस की वैल्यू नोट कर लो, सीधा आएगी तो पेपर में सीधा मार्क करेंगे। ठीक है, सपोज यू हैव टेकन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड। देखो ये भी बड़ी प्रॉब्लम और तरीके की प्रॉब्लम है, ओलिक एसिड वाली। ओलिक एसिड कभी सुना है आपने प्लस वन के अंदर फिजिक्स में टॉपिक? सुना है, मैंने सुनाया है। बोलो प्लस वन में किस टॉपिक, किस चैप्टर में सुनाया ओलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट? एक ही बार हुआ? बिल्कुल भी नहीं। लेंथ टाइम मेजरमेंट, उसके अंदर एक मेथड था टू फाइंड द रेडियस ऑफ एटम ऑफ ओलिक एसिड,
वो एक जो कोई करता नहीं चैप्टर, उसके अंदर ये टॉपिक है। खैर उसका लेना देना नहीं है इससे, ओलिक एसिड उसमें यूज होता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको ऐसा। तो उसमें एक थ्योरी का टॉपिक है, ओलिक एसिड का रेडियस निकालना होता है, वो आता नहीं है इसलिए लोग करते भी नहीं उसे। तो सपोज यू हैव टेकन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड, तो नया ही क्वेश्चन है, इन सच अ वे दैट इट्स कंसेंट्रेशन बिकम्स 0.01 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये कंसेंट्रेशन है उसकी, देन मतलब इतना वॉल्यूम उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब में आता है। देन यू मेक अ थिन फिल्म ऑफ दिस सोल्यूशन, मोनोमोलिक्यूलर थिकनेस सोल्यूशन, एक थिन लेयर बना दो उसकी, बिछा दो उसे, ऑफ एरिया कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाई कंसिडरिंग 100 स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस गिवन, तो 100 ड्रॉप घेर के इसको बिछा दो, इतना एरिया बना दो। देन थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड लेयर विल बी इतनी, तो जो थिकनेस होगी, मोटाई होगी उसकी इतनी होगी, आपको बताना है एक्स क्या है। मैं बता रहा हूँ ये वही टॉपिक है लेंथ टाइम मेजरमेंट वाला, पक्की बात है, वैसे वो डेरिवेशन है, बस ये उन्होंने इसमें बना दिया। और इसमें सरफेस टेंशन यूज कहाँ हो रही है, यूज हो रही है इसमें, गिवन है, कहाँ यूज हो रही है, चलो देखते हैं। तो जिसकी केमिस्ट्री ठीक है हो सकता है कर भी ले। तो देखो इसमें रूल ये करना क्या है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फिल्म बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया इनटू उसकी थिकनेस, पहला रूल ये है। वॉल्यूम ऑफ फिल्म निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी, थिकनेस। तो ये फिल्म बनी कैसे, 100 ड्रॉप गिरे थे ना, तो वॉल्यूम कितना है, 100 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं। तो एक काम करें, 100 ड्रॉप्स लेते हैं, एक ड्रॉप का वॉल्यूम लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें इसकी थिकनेस आ जाएगी, ठीक, 4 से को डिवाइड किया इसने, अच्छा एरिया इसका 4, नहीं एरिया तो यूज किया उसने, 100 थिकनेस इज गिवन, नहीं समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ फिल्म, वॉल्यूम ऑफ 100 ड्रॉप्स 4, ये समझ में आता है, वॉल्यूम थिकनेस, गिवन है, ठीक है, एरिया 4 गिवन है, राइट, ठीक है। तो एरिया इसमें 4 गिवन है, और एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम, तो एक वॉल्यूम ड्रॉप गेर के निकाल लिया, एक वॉल्यूम 4 इनटू थिकनेस, राइट। तो यहां से थिकनेस आ गई, थिकनेस आ गई। अब वो कह रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर, यहां तक तो आंसर आ ही गया, अब जो हमें थिकनेस ऑफ, अब ये क्या है, ये तो सॉल्यूशन क्या है, 100 ड्रॉप सॉल्यूशन के कह रहे, इसमें ओलिक एसिड का क्या रोल है, ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन थोड़ी ना, ये ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन तो 0.01 है, तो इसमें 0.01 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से क्या आया, थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड आई, जो कि क्वेश्चन में एक्स की फॉर्म में गिवन है, वहां से कंपेयर करके एक्स आएगा। एसिड वाली प्रॉब्लम आएगी ना, तो इसमें पहला स्टेप बस याद रखना, वॉल्यूम ऑफ फिल्म इज एरिया ऑफ फिल्म इनटू थिकनेस, बाकी देखी जाएगी जो पेपर में होगा, बट रूल यही है, ओलिक एसिड के क्वेश्चन में बिछा दिया जाता है उसको, हमेशा घेर दिया जाता है ड्रॉप घेर के, और ऐसा कुछ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो आपकी मर्जी, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं,
ये तो सिंपल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया उसने। क्या दिया? कह रहा है कि इसमें लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है, रेडियस कैपिलरी ट्यूब का दे दिया, हाइट दे दी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 दे दिया, सरफेस टेंशन पूछ रहे क्या है। अरे क्या फॉर्मूला है? एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g में टेंशन निकालनी है, सब कुछ दे दिया। बहुत आसान क्वेश्चन दिया, ठीक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, मेन मेन क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें एग्जाम के अंदर।